Hello everyone, this is Tamanna welcoming you all to the yet another video of The Homemade. As you all know, that festival of lights is on the doorstep. जी हाँ, दिवाली is here. और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी तैयारी हम लोग बचपन से एक महीना पहले ही शुरू कर देते हैं. हमें नहीं भी करनी हो तो हमारी मम्मियां जरूर हमारी प्रेपरेशन एक महीना पहले शुरू करवा देती हैं. सफाइयां करो, जाले साफ करो, बेडशीट चेंज करो, कपड़े ये वो फ्लांट अमकान वॉट एवर. सो दिवाली आ गई है, वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल ऑफ माइन. तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑन दिवाली और उन सब लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जो लास्ट मिनट तक जिन्होंने अभी तक दिवाली की डेकोरेशन के बारे में नहीं सोचा है. सो दिस इज लास्ट मिनट डेकोरेशन आइडियाज फ्रॉम होममेड विच इज होममेड. आई होप यू लाइक दिस वन. तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन वेस्ट बैंगल्स से कैंडल स्टैंड. तो ये मेरे पास बैंगल्स ऑलरेडी पड़ी थी. आपके पास कोई भी कलर की बैंगल्स हो उसका पहले आप जॉट डाउन कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए और इस तरीके से ग्लू गन की मदद से हमने उसको ज्वाइन कर देना है एक एक बैंगल को. तो याद रखिएगा कि मैं अंदर की तरफ से भी ग्लू गन से सिक्योर कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली, ताकि बैंगल्स निकले ना, पक्की हो जाए एकदम. तो इस तरीके से हमने सारी बैंगल्स जोड़ लिया और दो मैंने ऐसे कैंडल स्टैंड बना लिए हैं. और मुझे फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए मेरे पास येलो कलर की लेस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, अगर इफ यू डोंट वांट तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसको. तो मैंने ये लेस लगाई थोड़ी फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से. तो हमारे पास दो कैंडल स्टैंड्स रेडी हो गए. तो उसकी आफ्टर लुक आप ये देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं ये कैंडल स्टैंड. लुक एट दिस. तो सेकेंड आइडिया में मैंने ये लिया है कांच का बोल. इसमें हम बनाएंगे फ्लोटिंग कैंडल्स. जी हाँ, हमें बाजार से बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम घर पे बना सकते हैं. ये मेरे नेकलेस और मेरे ब्रेसलेट्स के टूटे हुए बीड्स हैं जो मैंने रख लिए थे संभाल कर. उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, मुझे थोड़ा एंटी लगा. तो ये माला भी थी हमारे पास जो हम मेले वगैरह से खरीद लेते हैं, तो वो भी मैंने डाल दी. उसके बाद हमने लिया फाइल, प्लास्टिक फाइल, उसको राउंड स्ट्रक्चर में काट लिया और सेंटर में से उसमें कटिंग कीजिए ताकि हम उसके अंदर बाती घुसा सकें. ये दिया और बाती, ये जो बाती है उसको आप फ्लैटन कीजिए. फ्लैटन करने के बाद उसको जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है उसके सेंटर से इस तरीके से डाल दीजिए. अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि जो पानी है उसके ऊपर से हमने डालना है ऑयल. आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिए. इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक आपकी जो फ्लोटिंग कैंडल है वो जलती रहेगी. तो आपको ये इसका रीज़न तो पता ही होगा, साइंस है, ऑयल बींग लाइटर तो वो पानी के ऊपर रह जाता है. इस तरीके से हमने बाती अंदर डाल देनी है और ये हमारी फ्लोटिंग कैंडल तैयार. तो थर्ड आइडिया के लिए मैंने चूज़ किए है ये कॉर्नर हमारे घर का. तो ये एंट्रेंस कॉर्नर है, वहाँ पर ये प्लास्टिक के फ्लावर्स मैंने खरीदे थे 180 के. मुझे ये 8 स्ट्रिंग्स मिली हैं फ्लावर की, तो ऑरेंज 8 एंड येलो 8, 180 ईच मेरे को ये पैकेट मिला था. तो इस तरीके से मैंने ये ऐसे डब्ल्यू सा बनाना शुरू करा. उससे ये आर्टिफिशियल मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स का ऐसा है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता कि आप फ्रेश फ्लावर्स को तोड़ें. तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स आई एम यूजिंग फॉर एवर ये आपके पास रहेंगे. उसके बाद मैंने ग्रीन स्ट्रिंग ली, ये भी लीव्स वाली स्ट्रिंग आर्टिफिशियल है. दिस वॉज ऑल्सो अवेलेबल एट माई होम ओनली. उसके बाद मैंने ये पिंक बोल्स लिए, ये कटोरी है कांच की, आप कोई भी कटोरीज ले सकते हैं बट प्रेफर कांच का. तो उसके अंदर मैंने ये बीड्स डाल दिए, ये पेटल्स जो है फ्लावर्स की ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी. ऊपर से हमने चारों बोल्स में पानी डाल दिया है. तो पानी डालने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हमने उसके स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमारा जो कैंडल है दिया है वो टिक सके. सो राउंड स्ट्रक्चर में मैंने ये चार सर्कल्स काट लिए और सेंटर में से उन्हें काट लिया ताकि उसके अंदर हम जो बाती है उसको डाल सकें. फिर हमने चार बातियाँ ली इस तरीके से और उसको एंड से हमने फ्लैटन करा. फ्लैटन करने के बाद जो उसका मुंह है वो हमने प्लास्टिक के जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके सेंटर से डाल देना है. इसके बाद टास्क आता है जी ऑयल डालने का. अगेन आई एम प्रेफरिंग मस्टर्ड ऑयल. आप भी सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी लंबे समय तक ये चलेगा. तो लंबे समय तक इसकी रोशनी रहेगी, फ्लोटिंग कैंडल्स विल मूव अराउंड. तो इस तरीके से हमने ऑयल डाल लिया है. अब इसके अंदर हमने इंसर्ट कर देना है हमारा जो बाती वाला स्ट्रक्चर है, दिया बाती वाला स्ट्रक्चर, और हमने इसको जला देना है. अब आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल सा इसका यू नो विजन आता है और ये बहुत आसानी से चल जाते हैं हमारे DIY फ्लोटिंग कैंडल्स. आपको बाजार से बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं. लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. तो ये अब जो सेकंड आप देख रहे हैं डेकोरेशन, ये वाली, ये वही फ्लोटिंग कैंडल है जो मैंने बनाई थी. उसके इर्द गिर्द मैंने इसे फ्लावर्स राउंड स्ट्रक्चर में डाल दिए और ये हमारी कैंडल स्टैंड. तो इस तरीके से मैंने लक्ष्मी माता के पैर जो थे ये दिया वाले, उसके साथ हमने फ्लोटिंग कैंडल्स रखी. नेक्स्ट जो आइडिया है हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें मैंने अलता लिया है. अलते को आप फ्लैट प्लेट में डालिए. मुझे अलता बहुत
दोस्त पतला लगा तो आप चाहे तो उसमें सिंदूर ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे लक्ष्मी जी के पैर स्टेयर्स में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ऐसे लगता है पूरी स्टेयर्स पर लक्ष्मी जी ऐसे चलकर ऊपर जा रही हैं। तो सबसे पहले बड़ा सर्कल बड़ा बनाइए, फिर छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। याद रखिएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसे आपने यूज़ करना। पहले मैंने राइट हैंड यूज़ किया, अब मैं लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो स्टेयर्स की स्टेप है। और पहला सर्कल ऑब्वियसली हमारा बड़ा होना चाहिए और उसके बाद छोटे छोटे सर्कल्स हमने ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, इसी तरीके से वी कंटिन्यू फॉरवर्ड और आगे हम राइट लेफ्ट डोंट फॉरगेट दिस। ऐसे लगेगा कि लक्ष्मी जी के छोटे छोटे से पैर ऊपर स्टेयर्स चढ़कर जा रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपने घर की स्टेयर्स पर ये लक्ष्मी जी के फुटप्रिंट्स बना सकते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है ये, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, थोड़ी सैर करा देती हूँ हमारे स्टेयर्स की, कि कैसे ये वॉकिंग पोजिशन में फुटस्टेप्स बन गए हैं और एंड में आकर मैंने उसको डबल फुटस्टेप दे दिए कि लक्ष्मी जी पहुँच गए। एंड नेक्स्ट आइडिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरी छननी है जो मैंने दिया है, बनाई थी मेरी लास्ट वीडियो में करवा चौथ के टाइम पे। उसके साथ मैंने ये स्ट्रिंग अटैच कर दी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इस तरीके के पैकेट में ऑरेंज और येलो जो स्ट्रिंग्स है मेरे पास अवेलेबल थी, मैं मार्केट से लाई थी। तो ये मैंने उसके टॉप पर इसको अटैच कर दिया टेप की मदद से। मैंने ग्लू गन इस्तेमाल इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे मे बी बाद में छन्नी यूज़ करनी पड़े तो आई कैन रिमूव इट। तो आप चाहें तो सिक्योर करने के लिए ग्लू गन या डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लॉबी एरिया का है जो जहाँ पर मैंने ये दोनों स्ट्रिंग्स को लटकाया, उसमें दिया रखे, तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, आपको मजा आया होगा आज की वीडियो देखकर और आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू